अषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव रथ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष यह यात्रा अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होकर अषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इसके साथ ही भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा भी होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुड़ीचा मंदिर जाती है। इस गुड़ीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तक रुकते हैं, फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर में वापस लौट आते हैं। इस रथ को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में पुरी पहुंचते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ और इस रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों निकाली जाती है हर साल ये भव रथ यात्रा। हर वर्ष अषाढ़ माह की द्वितीया से लेकर दशमी तिथि तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यह यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल इस रथ के पीछे एक पौराणिक मान्यता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से उनकी बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुभद्रा और बलभद्र जी को रथ पर बैठाकर द्वारका की यात्रा कराई थी। इस तरह से हर साल भगवान जगन्नाथ के संग बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। क्यों होती है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा? जी हाँ, आपको बता दें कि जगन्नाथ में अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान की इस अधूरी मूर्ति के पीछे एक पौराणिक कथा है। दरअसल पुरी में एक राजा राज करते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। एक रोज भगवान जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट होते हुए समुद्र में बहती हुई लकड़ियों के बारे में बताया और आदेश दिया कि इन लकड़ियों से हमारी मूर्ति की रचना करो। तब राजा ने प्रभु की आज्ञा को मानते हुए समुद्र से बहती हुई लकड़ियों को एकत्रित करते हुए बढ़ई से मूर्ति बनवाने को कहा। बड़े के रूप में विश्वकर्मा जी राजा इंद्रद्युम्न के सामने एक शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाजा पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम चलने लगा। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहां विराजमान हैं। जगन्नाथ में है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। जी हाँ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोज लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ पर करीब हर रोज 1,00,000 लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भगवान जगन्नाथ को हर दिन 6 समय का भोग लगाया जाता है जिसमें 56 तरह के पकवान होते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर में बनी हुई रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोईये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। इस प्रसाद को पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकता है। हैरानी की बात यह है
है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य हैं जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ, मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते कोई भी पक्षी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक चौंका देने वाली बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता हुआ दिखाई देता। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता। इस मंदिर की सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यहाँ गुंबद की परछाई नहीं दिखाई देती। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी गुंबद विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई आपको नजर नहीं आती। आपको बता दें कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उल्टी हवाएं चलती हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि समुद्री इलाकों में हवा का बहाव दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। हवा धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है लेकिन यहाँ चमत्कार है कि हवा दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम में समुद्र से धरती की ओर बहती है। जगन्नाथ मंदिर के बाहर विशाल समुद्र है लेकिन आपको इस समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती। जगन्नाथ मंदिर में सिंहद्वार से प्रवेश करने पर आप समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुन सकते लेकिन मंदिर से एक कदम बाहर आते ही लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप भी जाते जाते जगन्नाथ यात्रा की कुछ विशाल और भव्य तस्वीरें देखते जाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।